क्या आपको पता है भगवान शिव की कितनी पत्नियां थी? चलिए जानते हैं। क्या आपको पता है माता सती और माता पार्वती के अलावा भगवान शिव की और भी पत्नियां थी? हिंदू पुराणों में भगवान शिव की दो पत्नियों का ही उल्लेख मिलता है। इसमें पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती थी। वहीं हिंदू पुराणों की माने तो महादेव ने एक तो नहीं बल्कि चार बार विवाह किए थे। वो विवाह भी सिर्फ आदि शक्ति से ही हुए थे, केवल उनके रूप अलग थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ था। माता सती जो कि कश्मीर घाटी के हिमालय क्षेत्र में राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। माता सती के पिता ने जब भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को भस्म कर दिया और इस तरह अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद उन्होंने हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैनावती की पुत्री थी। तब उन्होंने अपनी पुत्री का नाम पार्वती रखा, यानी पर्वतों की रानी। माता पार्वती को ही उमा भी कहा जाता है। माता पार्वती के रूप में आदिशक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया था और इस तरह माता पार्वती और भगवान शिव के दो पुत्र थे, कार्तिकेय और पुत्र गणेश। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव की तीसरी पत्नी यानी देवी उमा थी। देवी उमा जिन्हें भूमि की देवी भी कहा जाता है। वहीं भगवान शिव की चौथी पत्नी यानी माँ महाकाली को बताया गया है। कहा जाता है माता पार्वती ने ही दुष्ट राक्षसों के संहार के लिए महाकाली का रूप धारण किया था और तब महादेव ने महाकाल का रूप धारण किया और इस तरह महाकाल की महाकाली बनी। इस तरह भगवान शिव ने चार विवाह तो किए थे, लेकिन ये चारों ही विवाह माँ आदिशक्ति के साथ ही हुए थे। माँ आदिशक्ति के केवल रूप और नाम अलग थे। कुछ इसी तरह थे हमारे महादेव, जिन्होंने केवल आदिशक्ति से ही अपना विवाह किया था। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।